लापरवाही पूर्वक इलाज करने का पीड़ित ने लगाया डॉक्टर बबीता खरे पर आरोप, कहा डॉक्टर की लापरवाही के कारण हमारी बहू की गई जान। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सीधी कलेक्टर को शिकायत पत्र दिया गया है और सीधी जिले के जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर बबीता खरे पर लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि मामला सीधी जिले के जमुई खुर्द का है, जहां पर जमुई खुर्द निवासी पीड़ित तरुणेंद्र सिंह के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला अस्पताल में अपनी बहू को डिलीवरी के दौरान भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर बबीता खरे की लापरवाही सामने आई, जिसके कारण हमारी बहू की जान चली गई, जिस बात को लेकर के उन्होंने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। इसके बाद वो कमरा पर भी बोली हमको कि ले आकर दिखाओ, मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किए थे तब भी वो बोली कि हम कमरा पर ला के दिखाओ, फिर ले जाके दिखाए कमरा पर। इसके बाद वो हॉस्पिटल आई और फिर अपना बाटल वगैरह उपचार करने लगी। फिर 5 बजे करीब शाम को 5 बजे कहती हैं कि आपके पास ब्लड नहीं है, तो हम मैडम बोले कि जी नेगेटिव ब्लड है, तो हम बहुत कोशिश किए पर यहाँ सीधी में अपने नहीं उपलब्ध है। समस्या क्या हुई उस पर बहू को? फिर इसके बाद क्या नाम से यहाँ बोले कि लाइफ केयर ले चलो, लाइफ केयर में 7-35 बार ऑपरेशन करके बच्ची निकाल ली। इसके बाद इसकी ब्लीडिंग चालू हो गई, तो खून उसके शरीर में मैंने रुकी नहीं रहा था। फिर इसके बाद 1 बजे उसकी डेथ हो गई। क्या चाहते हैं हम? यही कि न्याय चाहिए हमको। तो किसको दोषी मानते हैं? जैसे ये आपका साथ को। तो किसको इस पूरे मामले में दोषी किसको मानते हैं? दोषी बच्चा खड़े हैं, इन्होंने ही यहाँ पर जो कुछ किया है। मतलब शासकीय हॉस्पिटल से प्राइवेट नर्सिंग होम में लाने का किसने काम किया? ये बच्चा खड़े ने किया।